एपिसोड की स्टार्टिंग में जब श्यावकी पानी में डूब रही थी तो फांग उसे देखकर बचाने के लिए पूल में कूद जाता है और उसे सेव करके पानी से बाहर ले आता है। और फिर वो उसका पैर देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें पानी में जाने की क्या जरूरत थी, कुछ हो जाता तो। लेकिन श्यावकी उठकर फोन के पास जाती है और सबको बताती है कि पानी में भीगने पर भी कंपनी का मेकअप खराब नहीं हुआ है। फांग उसे रोकता है और कहता है कि तुमने बहुत काम कर लिया है, अब मत करो। लेकिन श्यावकी कहती है कि अगर मैं अभी रुक गई तो अब तक का सारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। साथ ही वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। फांग ऑकवर्डली कहता है कि मैं कंपनी का CEO हूँ, ऑब्वियसली काम तो देखूंगा ना। नेक्स्ट सीन में श्यावकी जिम में एक्सरसाइज कर रही थी और थकान की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन फांग आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। श्यावकी कहती है कि हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फांग कहता है कि फिर मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगा और उसके साथ एक्सरसाइज करने लगता है। जब वो उसे एक्सरसाइज करने में हेल्प कर रहा था तो श्यावकी उसके बहुत ही क्लोज आती है, जिससे फांग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। फांग उसे देख ही रहा था कि तभी श्यावकी गिरने वाली थी। फांग उसे बचाने जाता है लेकिन उसके साथ साथ वो भी गिर जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और जो भी व्यूवर्स उन्हें देख रहे थे वो कहते हैं कि इन दोनों को रियल में कपल हो जाना चाहिए। हान भी लाइव स्ट्रीम देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ फांग रियलाइज करता है कि श्यावकी उसे टच कर रही है, जिससे वो ऑकवर्डली खड़ा होता है। श्यावकी भी फिर व्यूवर्स से मेकअप की तारीफ करती है और ये देखकर फांग स्माइल करता है और फिर वो भी सबसे कहता है कि वो इससे भी ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करेगा। श्यावकी नोटिस करती है कि कमेंट में सभी फांग की तारीफ कर रहे हैं लेकिन मेकअप के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, जिससे फांग स्माइल करता है और श्यावकी का गाल टच करता है और कहता है क्योंकि हमारा मेकअप बेस्ट है। श्यावकी इससे सरप्राइज होती है। फिर फांग वहाँ से जाता है। नेक्स्ट सीन में फांग मेडिसिन लेकर श्यावकी के पास जाता है और उसके पैर में लगा के देता है और उससे कहता है कि अब वो बहुत ही रेकलेस है। श्यावकी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है तो सीधा बोल दो ना। लेकिन फांग कहता है कि तुम घर जाकर रेस्ट करो क्योंकि कल से तुम यहाँ परमानेंट जॉब करने वाली हो, जिससे श्यावकी बहुत ही खुश होती है और फांग को पकड़कर कूदने लगती है और उसे थैंक यू कहती है। फांग कहता है कि आज तुमने अच्छा काम किया इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा और वहाँ से जाने लगता है तो श्यावकी अपने स्टाइल में उसे थैंक यू कहती है तो फांग स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फांग और श्यावकी घर जाते हैं, जहाँ श्यावकी फांग के घर में जाने का ट्राई करती है लेकिन वो उसे मना कर देता है। श्यावकी कहती है कि लेकिन मेरे घर कोई नहीं है। तभी फांग और श्यावकी देखते हैं कि जीबू एंड ली आ रहे हैं, जहाँ ली जीबू को डिनर पर इन्वाइट करता है और पैसे मांगने के लिए फांग को कॉल करता है और कहता है कि वो बीमार है इसीलिए उसे पैसे चाहिए। तभी फांग पीछे से उसे आवाज लगाता है। सब एक दूसरे को वहाँ देख के शॉक होते हैं। नेक्स्ट सीन में फांग ली को झूठ बोलने के लिए पनिश कर रहा था। ली उसे सॉरी कहता है, उसने पहले अपने रिलेशनशिप के बारे में फांग को नहीं बताया था। फांग कहता है कि मैं तुम्हारे झूठ में इसलिए तुम्हें सपोर्ट कर रहा था ताकि तुम अपना ड्रीम पूरा कर सको, ना कि ये सब टाइम वेस्ट करो। तो श्यावकी कहती है कि अगर जीबू एंड ली साथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तभी ली नोटिस करता है कि उसने श्यावकी को रिजॉर्ट में देखा था तो वो पूछता है कि वो कौन है। श्यावकी बताती है कि वो एंड जीबू फ्रेंड्स हैं, जिसे वो कहता है कि आज तक ये बात मुझे कैसे नहीं पता चली। दोनों डरते हैं कि कहीं फांग और ली को उनका प्लान पता न चल जाए, लेकिन ली कहता है कि जरूर तुम दोनों भूल गए होगे, जिससे दोनों रिलीव होते हैं। ली को लगता है कि फांग और श्यावकी भी कपल हैं, लेकिन फांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जीबू कहती है कि ऐसा ही है, इसीलिए दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ली खुश होता है तो फांग उसे वहां से लेकर चला जाता है और रास्ते में उसे समझाता है कि तुम्हें डेटिंग करनी है तो करो, लेकिन अपने ड्रीम से अपना फोकस मत हटने देना, जिससे ली खुश होता है और उसे हग करता है। यहाँ घर में श्यावकी और जीबू को लगता है कि आज श्यावकी ने जो काम किया उससे खुश होकर मे बी फांग उसे अपनी सेक्रेटरी बना देगा, जिससे वो फांग के क्लोज रहेगी और हार्मोन्स जल्दी से कलेक्ट कर पाएगी। नेक्स्ट डे लेकिन ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। फांग आकर श्यावकी को नॉर्मल काम देकर अपने ऑफिस में चला जाता है। डिसअपॉइंट होकर श्यावकी हान के पास जाती है, जो काम के लोड से बहुत ज्यादा परेशान था, जिससे श्यावकी उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। रात में फांग देखता है कि ऑफिस से सब जा चुके हैं लेकिन श्यावकी अकेले ही काम कर रही है। वो उसे घर ड्रॉप करने को कहता है लेकिन श्यावकी कहती है कि अभी भी उसे और काम करना है, जिससे फांग इम्प्रेस होकर वहाँ से जाता है और साइड में जाकर श्यावकी को देखता है। तभी वहाँ हान आ जाता है, जिसे देख कर फांग वहाँ से चला जाता है। हान समझ जाता है कि फांग श्यावकी को ही देख रहा था। नेक्स्ट डे मीटिंग में फांग पूछता है कि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी हमसे क्यों आगे जा रही है, तो श्यावकी प्रेजेंटेशन देती है जहाँ वो बताती है कि हमारी कंपनी और कॉम्पिटिटर कंपनी में क्या फर्क है
और उसे इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, और उसे इम्प्रूव करने के लिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने को कहती है जो उनकी कंपनी का सिग्नेचर प्रोडक्ट बन सके। हान उसे कहता है कि फांग ने मैनेजर से रिपोर्ट देने को कहा था, तुमसे नहीं। तो श्यावकी एम्बेरसली अपनी सीट पे आके बैठ जाती है, लेकिन मीटिंग में सभी श्यावकी की बात से अग्री थे। मैनेजर कहता है कि बाकी कंपनी के पास खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट है, इजीली वो न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। फांग कहता है कि अब से मैं भी हमारी कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट ओपन कर रहा हूँ, जिससे हम भी सबसे आगे रहें। सब इस डिसीजन से खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में कांग ये सब बातें जाओ को बताता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जाओ फांग को इतना फाइनेंस नहीं देंगे जिससे वो न्यू डिपार्टमेंट बना सके। नेक्स्ट डे फांग और हान जाओ से मिलने जाते हैं, लेकिन वो ऐसा कह देता है कि वो बिजी है और उनसे नहीं मिल सकता है, जिससे फांग हान से पूछता है कि जाओ रात की पार्टी में आने वाला है, जिसके लिए हान हाँ करता है। दूसरी तरफ ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय श्यावकी से पूछती हैं कि क्या फांग ने तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट किया है, जिससे श्यावकी कंफ्यूज होती है। तभी फांग वहां आता है, जिससे वो दोनों वहां से चली जाती हैं। फांग आकर श्यावकी को दो बॉक्सेस डॉक्यूमेंट देता है स्टडी करने के लिए। घर जाकर श्यावकी डॉक्यूमेंट पढ़ती है और जुबू उसे इतना काम करते हुए देख के अपसेट होती है। जब जुबू दूसरा बॉक्स ओपन करती है तो उसमें से एक ड्रेस एंड हील मिलती है, जिससे दोनों शॉक होती है। साथ ही उन्हें उसमें एक फांग का नोट भी मिलता है, जिसमें उसने 8 बजे श्यावकी को नीचे आने को कहा था। बाहर फांग श्यावकी का वेट कर रहा था। हान कहता है कि अगर नोट पर लिखकर मुझे भी इनवाइट करते तो मैं भी नहीं आता। फांग पूछता है तो कैसे इनवाइट करना चाहिए था, जिससे हान उसे एक रोमांटिक तरीके से इनवाइट करना सिखाता है, जिससे फांग गुस्सा होकर उसे धक्का देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि श्यावकी वही ड्रेस एंड हील पहनकर वहां आई है और वो बहुत ही प्रिटी लग रही है, जिससे फांग उसे देखता ही रह जाता है। जब श्यावकी आगे आती है तो वो गिरती है, जिससे फांग उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और हान उन दोनों को देखकर खुश होता है। श्यावकी फांग से पूछती है कि मैं प्रिटी लग रही हूँ, लेकिन फांग उसे उसके पैर से हटने को कहता है, जिससे वो साइड में होती है। फिर दोनों कार में थे और एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे थे, जिससे हान फांग से कहता है कि आपको श्यावकी से कुछ कहना है क्या, जिससे श्यावकी उसे देखती है। तो फांग कहता है कि पार्टी में कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। श्यावकी कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो। वो कहता है कि वो तुम्हें पार्टी में समझ आ जाएगा। फिर दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ श्यावकी खाना ले रही थी। तभी कुछ लड़कियां फांग के पास आकर उसे डेट करने के लिए पूछती हैं, जिससे श्यावकी उनके पास जाकर उन्हें बताती है कि वो फांग की डेट है। तो वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। श्यावकी समझ जाती है कि पार्टी में लड़कियां फांग को परेशान ना करें, इसलिए फांग उसे वहां लेकर आया है। तभी फांग को जाओ दिखाई देता है, तो फांग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो मीटिंग क्यों अवॉइड कर रहा है। जाओ कहता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम अभी पैसे रिसर्च डिपार्टमेंट में नहीं डालना चाहिए, और फांग से पार्टी इंजॉय करने को कह के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक वेट्रेस ने एक लड़की की हील्स पर ड्रिंक गिरा दी थी, जिससे उसकी फ्रेंड नाना उस वेट्रेस की इंसल्ट करती है। तभी श्यावकी ये सब देखकर वहां जाती है और कहती है कि कुछ लोग दिखने में अच्छे होते हैं पर रियल में अच्छे नहीं होते हैं। नाना फिर श्यावकी से लड़ने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से वेट्रेस वहां से चली गई। तभी उसकी नजर श्यावकी की हील्स पर जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हील्स फेक है। श्यावकी कहती है कि ये मुझे फांग ने दी है, तो ये फेक हो ही नहीं सकती है, जिससे वो लड़कियां शॉक होती हैं। लेकिन नाना अभी भी श्यावकी की इंसल्ट करती है और उसके कपड़े खींचती है। श्यावकी अपनी पावर से उसे हिकअप्स देती है, जिससे उसकी फ्रेंड वरिड होती है, और नाना गुस्सा होकर श्यावकी को धक्का देती है। लेकिन तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है, जिससे श्यावकी उसे देखती है। फिर श्यावकी खड़ी होकर उससे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर नाना की फ्रेंड भी उसे वहां से ले जाती है, जिससे श्यावकी भी फांग के पास जाती है और उसे पूछती है कि जाओ अग्री हुआ क्या, लेकिन फांग कुछ नहीं कहता है। श्यावकी नोटिस करती है कि उसकी इयररिंग्स भी मिसिंग है। तभी स्टेज पर जाओ आता है, जो मेकअप लाइन की न्यू स्पोक्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है, जो उसकी नीस थी और वो नाना की फ्रेंड मैंगफी थी, जिससे श्यावकी समझ जाती है कि उसकी वजह से फांग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तभी वहां नाना आती है और श्यावकी के इंसल्ट करने लगती है। श्यावकी उसे कुछ जवाब ना दे, इसीलिए श्यावकी अपनी पावर से अपने कान बंद कर देती है। नाना फांग से कहती है कि ये कह रही थी ये हील्स आपने इसे दिलाई हैं। जब श्यावकी कोई आंसर नहीं देती है तो फांग उसे अपने पास खींचता है, जिससे सरप्राइज होकर श्यावकी अपने ईयर्स ओपन करती है, जहां फांग नाना से कहता है कि श्यावकी को हील्स मैंने ही दी हैं, जिससे वो शॉक होती है। फिर फांग श्यावकी को लेकर वहां से चला जाता है। जब स्टेज से मैंगफी आती है तो नाना उसे सब बताती है, लेकिन यहां विजिबल था कि मैंगफी अपसेट थे। बाहर जब फांग और श्यावकी सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे
तो श्यावकी का पैर मुड़ जाता है, जिसे फांग उसे साइड में लेकर आता है और उसे केयरफुल रहने को कहता है। साथ ही उसे कहता है कि तुमने अंदर नाना को जवाब क्यों नहीं दिया। तो श्यावकी कहती है कि मुझे पता है कि मेरे जवाब देने से ज़ियाओ को बुरा लगता, जो तुम्हारी कंपनी के लिए हार्मफुल भी हो सकता था, इसलिए मैं चुप रही। फांग पहले उसे देखता है एंड कुछ सोचता है, फिर उसे वहां से चलने को कहता है। लेकिन श्यावकी चलने का ट्राई करती है तो उसके पैर में पेन होने लगता है। ये चीज फांग भी नोटिस करता है, लेकिन फिर भी श्यावकी चलने का ट्राई करती है, पर उसे पेन होता है, जिससे फांग उसके पास आकर उसे उठाता है। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।